उत्तर वार्ता चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत के प्रमुख आयुर्वेदिक कंपनियों की के मालिक की जाति क्या है। जाति को लेकर के कुछ लोगों को मतभेद हो सकता है, लेकिन जाति हमारे देश और समाज की एक सच्चाई है। जिन लोगों को जाति के लेकर मतभेद हो, उन लोगों को ऑनर किलिंग जैसी घटनाओं पर गहन विचार जरूर करना चाहिए। साफी, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी साफी नहीं पिया होगा। साफ़ी हम खून साफ करने के लिए पीते हैं। साफ़ी हमदर्द कंपनी बनाती है। हमदर्द कंपनी की स्थापना हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने 1906 में दिल्ली के हौज खास में की थी। हकीम हाफिज अब्दुल मजीद एक यूनानी डॉक्टर थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के पीलभीत जिले में हुआ था। अब्दुल मजीद ने हौज खास में अपनी दुकान खोली, दवा की दुकान खोली। वहीं से हमदर्द की शुरुआत हुई। आज हमदर्द यूनिवर्सिटी भी है और हमदर्द का पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा कारोबार है। हमदर्द कंपनी के दो प्लांट जो है गाजियाबाद में है और एक प्लांट मनेसर हरियाणा में है। अभी हमदर्द कंपनी के जो मालिक हैं वो हकीम हाफिज अब्दुल मजीद के बेटे हैं, हकीम अब्दुल हामिद। हमदर्द कंपनी के मालिक मुस्लिम हैं। सवेरे उठते ही जब हम ब्रश करते हैं तो दंत कांति जरूर साथ में रहता है। दंत कांति पतंजलि आयुर्वेद कंपनी बनाती है। पतंजलि के मालिक स्वामी रामदेव हैं। रामदेव का जन्म 1965 में रामनिवास यादव और गुलाबो देवी के पुत्र के रूप में हुआ था, सैदापुर गांव में, महेंद्रगढ़, हरियाणा। इनका बचपन का नाम था रामकिशन यादव। ये बाबा रामदेव और स्वामी रामदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। योग के लिए, योग के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और ये जो है आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर इन्होंने 2010 में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना की थी। पतंजलि अभी देश की सबसे बड़ी कंपनी हो गई है आयुर्वेद के क्षेत्र में। पतंजलि कंपनी के जो मालिक हैं स्वामी रामदेव, ये यादव कास्ट से हैं। सवेरे ब्रश करते समय एक और पेस्ट की हमें ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, वह लाल दंत मंजन। लाल दंत मंजन का निर्माण डाबर कंपनी करती है। डाबर कंपनी के संस्थापक डॉक्टर एस के बर्मन थे। डॉक्टर एस के बर्मन कलकत्ता में प्रैक्टिस करते थे। वे एक डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। कलकत्ता में ही उन्होंने 1880 में वो प्रैक्टिस करते थे कलकत्ता में। 1884 में उन्होंने एक डाबर कंपनी की स्थापना की। उनके नाम से ही, डॉक्टर बर्मन के नाम से ही डॉक्टर बर को मिला करके डाबर कंपनी का नाम रखा गया है। डाबर कंपनी के मालिक जो हैं ये क्षत्रिय हैं। और वर्तमान में डाबर कंपनी के जो मालिक हैं वो हैं डॉक्टर आनंद बर्मन। जब हमारा हाजमा ख़राब होता है तो जो सबसे पहले दवा का जो हमारे दिमाग में नाम आता है वो आता है लीप 52। ये लीप 52 हिमालय कंपनी बनाती है। हिमालय कंपनी के जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, वो हैं मोहम्मद मनल जो थे वो देहरादून में आयुर्वेदिक दवाइयों के प्रैक्टिस करते थे। ये 1930 के आसपास की बात है। उन्होंने उसी समय बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में 1930 में ही उन्होंने हिमालय कंपनी की स्थापना की। आज हिमालय कंपनी दुनिया के 106 देशों में इसके प्रोडक्ट सप्लाई होती हैं। हिमालय कंपनी में 290 लगभग रिसर्चर हैं जो रिसर्च करते हैं, दवाइयों पर रिसर्च करते हैं। और ये भी एक कहा जाता है कि पूरी दुनिया में हिमालय के जो प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट एक सेकेंड में, प्रति सेकेंड 10 प्रोडक्ट की सप्लाई होती है। हिमालय कंपनी के जो अभी वर्तमान मालिक हैं वो हैं मिराज मनल। हिमालय कंपनी के जो मालिक हैं ये मुस्लिम हैं। सर्दी के दिन आते ही हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, चैम्पड़ास। चैम्पड़ास कई कंपनियाँ बनाती हैं। एक वैद्यनाथ कंपनी भी है जो चैम्पड़ास बनाती है। वैद्यनाथ कंपनी की स्थापना दो भाइयों ने मिलकर की थी 1917 में, बिहार के देवघर जिले में। पहले बिहार, अभी वो झारखंड हो गया है। पहले देवघर जिले में जो बाबा वैद्यनाथ धाम है वहीं पर पंडित राम नारायण शर्मा और उनके भाई पंडित रामदयाल जोशी, ये लोग वहाँ पर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते थे, आयुर्वेदिक दवाइयों का इलाज करते थे। इन दोनों भाइयों ने ही मिलकर कलकत्ता में 1921 में पहला इन्होंने जो है वैद्यनाथ कंपनी की खोली।
पटना में 1940 में, झांसी में 1941 में, नागपुर में 1942 में, अलाहाबाद में 1958 में इन्होंने बैद्यनाथ कंपनी की स्थापना की। बैद्यनाथ कंपनी के अभी जो डायरेक्टर हैं वो हैं आर.के. शर्मा। बैद्यनाथ कंपनी के मालिक ब्राह्मण हैं। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे एक आग्रह रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इससे हमारा हौसला बना रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।